और रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला ये हुआ करता था आपके पास, ठीक है। तो अब इस लॉजिक को यूज करते हुए हम कुछ क्वेश्चंस जो है वो अटेम्प्ट करने का काम करेंगे। नहीं बेटा मैंने नहीं की। तो देखो आपके पास जो सीरीज कॉम्बिनेशंस होते हैं उसमें रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, जितने रेजिस्टर्स आप सीरीज में लगाएंगे उतनी ज्यादा रेजिस्टेंस होगी, और लाजमी सी बात है जब रेजिस्टेंस आपके पास इंक्रीज हो जाएगी तो जो करंट है वो ड्रॉप कर जाएगा, ठीक। अब पैरेलल के अंदर आपके पास क्योंकि रेजिस्टेंस कह रहे मल्टीपल आपके पास क्रॉस में लगी हुई होती है, तो होता यह है कि पैरेलल में अटैच करने से रेजिस्टेंस गिरती है। See, when you have resistors attached in parallel, the effective resistance falls. Matlab these three are going to behave as a smaller resistor. So, ab hamare paas jab bhi resistors parallel mein lagenge, effective resistance giregi aur circuit mein se draw hone wala current badh jayega. You'll be having more current coming out of the battery. So, agar yahan pe aap se ke puchta hai ki bhai kiske andar aapko sabse kam current milega और किसमें आपको सबसे ज्यादा करंट मिलेगा, तो देखो बेटा सीरीज में आपको सबसे कम करंट मिलता है, क्योंकि जब आप रेजिस्टर्स को सीरीज में लगाते हैं तो आपकी इफेक्टिव रेजिस्टेंस बढ़ जाती है, और पैरेलल के अंदर आपको सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस मिलती है, वो सबसे ज्यादा करंट मिलता है, क्योंकि इसमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपके पास सबसे कम होती है। तो अगर आप यहां देखें, इफ यू हैव रेजिस्टर्स इन सीरीज यू हैव द लोएस्ट करंट इन एक्स, यानी ऑप्शन ए हुआ या बी हुआ, एंड यू हैव द हाईएस्ट करंट इन वाई, ठीक है। तो आपका आंसर सीधा सीधा हो गया बी। फिर एक सवाल ये है आपका, अच्छा मुझे एक बात याद दिलाना, हैव आई लाइक डिस्कस डीसी सर्किट्स विद यू गाइस इन क्वेश्चंस, क्योंकि मुझे आज बड़ा हमने थियरी डिस्कस कर ली थी, क्वेश्चंस नहीं किए थे ऐसे कुछ, ठीक है। इस सवाल को देखिए, ये सर्किट की ड्राइंग के लिहाज से सवाल है, अच्छा आसान सवाल है, इतना कोई मुश्किल नहीं है। आके बस दो सेल्स लगे हुए हैं, इसके साथ आपके पास एक स्विच है, एक रेजिस्टर है, और जिस तरह से अटैच हुआ है मैं आपको देखना है कि नीचे तो सर्किट डायग्राम है वो कौन सी वाली इसकी करेक्ट रिप्रेजेंटेशन कर रही है। तो देखो दो सेल्स आपस में अटैच है इस तरह से, एक का पॉजिटिव टर्मिनल अगले के नेगेटिव से जुड़ा हुआ है, तो ऐसे कनेक्शन में उसके बाद सेल्स के बाद आपके पास एक रेजिस्टर है, रेजिस्टर के बाद स्विच है, और स्विच के बाद सेल के साथ दोबारा कनेक्शन। तो आपके पास ऐसी चीज कि जिसमें पहले सेल्स हो, फिर रेजिस्टर हो, फिर स्विच हो, और फिर वापस सेल के साथ सर्किट कंप्लीट हो रहा हो, ये सब आपके पास ए में हो रहा है। आपके पास सेल्स हैं, फिर रेजिस्टर है, फिर स्विच है, और फिर दोबारा सेल कंप्लीट हो रहा है, तो ये आपके पास एक सर्किट बन के सामने आ रहा है। क्या हो गया उस्मान? सर मैं कह रहा था कि आप कौन सी वो वायरिंग देख रहे हैं, मैं जो देख रहा हूँ वो उसमें तो स्विच पहले आ रहा है, और वो स्विच वाली वायर निकल के रजिस्टर के अंदर से होती हुई जा रही है, और वो बैटरी के अंदर देख रहे हैं। लो तुम यहाँ से देख लो, अगर उल्टा भी देखना है तो सेल्स के बाद स्विच होना चाहिए, स्विच के बाद रजिस्टर, रजिस्टर के बाद वापस सेल, अब भी यही बन रहा है सर, लेकिन वो आपने जिस तरीके से देखा है वो आपने पॉजिटिव टर्मिनल से देखा है। मैंने यहाँ से पढ़ना शुरू किया उसको, तो आपको कैसे पता है कि ये पॉजिटिव टर्मिनल और बैटरी है, वो जो अगर ये मुझे नहीं भी पता होता मुझे तब भी उससे टेंशन नहीं थी, क्योंकि मेरे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्या मतलब सर? मेरे पास यहाँ पे इसके अलावा कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं है जो इस चीज को समझा रहा हूँ।
अगर मुझे ये भी नहीं पता होता कि ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, मुझे तब भी इशू नहीं था, मुझे इतना पता है कि दो सेल लगे हुए और ये कनेक्शन मुझे दिखा रहा है कि एक सेल का एक टर्मिनल अगले सेल के दूसरे टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, मतलब एक का पॉजिटिव अगले के नेगेटिव से। तो अगर मुझे ये भी नहीं पता कि कौन सा पॉजिटिव कौन सा नेगेटिव है, मुझे एटलीस्ट ये तो पता है कि भाई कनेक्शन में सेल्स के बाद रेजिस्टर आना चाहिए, रेजिस्टर के बाद स्विच, स्विच के बाद वापस सेल। तो वो भले अगर उल्टा भी होता ये मामला, जनरल रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही होनी चाहिए, मतलब हाँ अगर ये उल्टा भी होता मामला तब भी कोई मसला नहीं था, लेकिन इस तरह का कोई ऑप्शन है ही नहीं मेरे पास, तो मुझे कंफ्यूज होने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत ऑप्शन है। अच्छा, मतलब जो ए में रिप्रेजेंटेशन स्विच पहले लगाना होता है। बोलो मानूर सर, जो डी है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? जो कौन सा जो ऑप्शन डी है वो हमें क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इसकी बात कर रहे हो? ये रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि मेरे पास दो सेल्स लगे हुए, उनके साथ रेजिस्टर पैरेलल में लगा हुआ है, सीरीज में नहीं लगा। तो मतलब टेक्निकली ये ऐसा होना चाहिए था, फिर अगर डी ऑप्शन होता ना, इट वुड इट शुड हैव बीन लाइक दिस। एक सेल ये, अगला सेल ये, उसके साथ एक तार आता है रेजिस्टर के साथ जुड़ा हुआ होता, और जो स्विच होता वो ऐसे जुड़ा हुआ होता। सही है सर। सही, पैरेलल में अटैचमेंट दिखा रहा था। अच्छा, अब ये ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन है, बल्कि ये आसान सवाल है, मैं थोड़ा सा अच्छा वाला करवाता हूँ। फिफ्टीन का जवाब दो। इससे ही आपने करवा दिया था? गला करवा दिया था मैंने। मैंने कुछ सवाल करवाए थे, कुछ नहीं करवाए थे तुम लोगों को ना? यस। ट्राई सॉल्विंग दिस वन। अच्छा भाई देखिए, यहाँ पे इस क्वेश्चन में आप यूनिटरी मेथड से सॉल्व कर सकते हो, मैंने जो आपको सिखाया है ना कि ट्राई टू गो फॉर अ यूनिटरी मेथड, इट्स प्रीटी इजी। किस तरह से? आप वोल्टेज और रेजिस्टेंस में जानते हो कि भाई सीरीज सर्किट में वोल्टेज और रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, मतलब जितना ज़्यादा आपका बड़ा रेजिस्टर होगा उतना ज़्यादा उस पर वोल्टेज ड्रॉप हो रहा होगा। तो भाई आप देखो कि अगर आपकी टोटल रेजिस्टेंस 12,000 ओम्स है, टोटल वोल्टेज 6 वोल्ट्स का ड्रॉप हो रहा है। अगर वो बोल रहे हैं कि भाई 10,000 ओम्स की रेजिस्टेंस होती तो उस पे कितना वोल्टेज ड्रॉप होता?
एक्स होता, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई बाय 6 अपॉन 12,000, तो ये आ जाएगा 5 वोल्ट्स। सीधा सीधा आपका डी आंसर। मतलब सीरीज सर्किट में जब भी किसी रेजिस्टर पे वैल्यू निकालनी हो तो यूनिटरी मेथड का इस्तेमाल करते हुए मेरे बच्चे अब आराम से वैल्यू निकाल सकते। Try solving this one. ठीक है मैं कर दूंगा बेटा। आप लोग इस सवाल के साथ दीजिए, जब तक मैं लोगों के सवाल पूछ लेता हूँ कुछ कहना नहीं है, लोग नहीं कहना चाह रहे। ठीक है अरे नहीं कहना चाह रहे या उस्मान एक फैसला करो, तुम्हें हैंड रेस करना है या नहीं करना। तुम बार बार रेस कर रहे हो, बार बार ड्रॉप डाउन कर रहे हो। मैं पूछूंगा ही नहीं था, फिर हैंड डाउन कर दिया। हैंड रेस करके रखो ना ताकि मैं तुम्हें अनम्यूट तो करूं। तुम हैंड रेस कर देते हो फिर डाउन करो, तुम्हारा नाम नीचे चला जाता है, वो लिस्ट में ढूंढते रहो। अच्छा चलो इस सवाल के बात करना। हाँ नहीं बेटा, पावर का फॉर्मूला रेजिस्टेंस के साथ जो है ना वो डायरेक्ट का भी है और इनवर्स का भी है। पावर इक्वल्स आई स्क्वायर आर भी है और पावर इक्वल्स वी स्क्वायर अपॉन आर भी है। बस ये डिपेंड करता है कि आपके पास सर्किट कौन सा लगा हुआ है। अगर सीरीज सर्किट है तो पावर का रेजिस्टेंस के साथ डायरेक्ट का रिलेशन होता है। मतलब पावर इक्वल्स आई स्क्वायर आर के फॉर्मूले को अगर आप देखो तो पावर रेजिस्टेंस से डायरेक्टली रिलेटेड है अगर आपके पास सीरीज सर्किट। क्यों सीरीज सर्किट? क्योंकि सीरीज सर्किट में ही करंट कांस्टेंट होता है। तो अगर करंट आपका कांस्टेंट है तो पावर और रेजिस्टेंस आपस में डायरेक्ट होती हुई नजर आ रही। मतलब जितना बड़ा रेजिस्टर होगा उतनी ज्यादा पावर लॉस होगी उसमें। पैरेलल में ये सिलसिला होता है कि पावर इक्वल्स वी स्क्वायर अपॉन आर लगाते हैं कि भाई पावर का रेजिस्टेंस से इनवर्स का रिलेशन होता है। ये तब होता है जब आपके पास वोल्टेज कांस्टेंट है और वोल्टेज वोल्ट पैरेलल में कांस्टेंट होता है। मतलब अगर चार पांच रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए तो जो बड़ा वाला रेजिस्टर होगा उस पर कम पावर लॉस होगा, जबकि सीरीज में यह है कि जो बड़ा वाला रेजिस्टर होगा उस पर ज्यादा पावर लॉस होगा। तो रिलेशन दोनों ही है लेकिन बस ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो सर्किट है वो सीरीज का है या पैरेलल। बिल्कुल, अगर आपके पास पावर आप ज्यादा प्रोवाइड कर दो यानी वोल्टेज और करंट ज्यादा चला जाए तो लैंप ग्लो ऑफ हो जाए। चलिए ठीक है, इसका जवाब आ रहा है लोगों के पास कि भाई रेजिस्टेंस हमें 6 ओम्स की चाहिए एक्स वाई के दरमियान में, हम क्या करें? देखिए हमारे पास अगर S1 और S2 क्लोज होते हैं तो करंट इन दोनों में से पास होता हुआ जाएगा। इफ आई हैव S1 एंड S2 क्लोज तो करंट इन दोनों में से पास होता हुआ जाएगा। इससे क्या होगा कि इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस 1.5 ओम्स हो जाएगी। अच्छा अब मुझे कैसे पता चला कि इन दोनों की कंबाइंड रेजिस्टेंस 1.5 हो जाएगी? मुझे ऐसे पता चला बेटा, एक छोटा सा फॉर्मूला है पैरेलल के लिए। अगर आपको पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस चाहिए हो तो आप रेजिस्टर की वैल्यू को नंबर ऑफ रेजिस्टर से डिवाइड कर दीजिए। सही, ये आसान फॉर्मूला होता है कि भाई अगर आपके पास ये सिर्फ तब लगता है जब आपके तमाम रेजिस्टर्स एक ही वैल्यू के। तो भाई ये 3 और 3 मिलके बात कर रहे हैं एक 1.5 ओम की तरह और उनके साथ रजिस्टर लगा हुआ है 4.5 ओम्स। ये दोनों रेजिस्टर्स आपके पास सीरीज में, तो भाई 6 ओम्स के लिए करंट को इन दोनों से पास होना जरूरी है, 1.5 भी और 4.5 भी। तो मैं स्विच S3 क्लोज नहीं कर सकता,
अगर मैंने स्विच S3 क्लोज कर दिया तो मसला ये होगा कि करंट आपके पास नीचे वाले स्विच से गुजरता हुआ चला जाएगा, इससे पास ही नहीं होगा, तो वो इससे पास नहीं होगा तो रेजिस्टेंस तो खाली 1.5 ओम्स की आई ना फिर, इसीलिए मुझे S3 खोल के रखना पड़ेगा ताकि करंट के पास कहीं और से जाने का रास्ता, करंट के पास सिर्फ ये रास्ता X से आया, ये 3 ओम में से पास हुआ मतलब रेजिस्टेंस 1.5 की इधर बन गई और फिर यहाँ पे 4.5 में से गुजरता हुआ बाहर, ये वाला कॉन्सेप्ट है। तो आपके पास यहाँ पे सर ये 6 ओम हो जाए सर, बोलिए सर कि हम S3 पे इसलिए नहीं भेज रहे ना क्योंकि ये जो हमें 1.5 ओम्स की रेजिस्टेंस मिल गई थी पैरेलल मेथड से और फिर हम S3 से इसलिए नहीं भेज सकते वरना वो सर आप रिपीट कर सकते हैं S3 वाला। देखो अगर स्विच S3 क्लोज हो जाएगा ना तो ये रेजिस्टर है ये बाईपास हो जाएगा, बाईपास होने का मतलब ये है कि करंट इसमें से नहीं गुजरेगा क्योंकि उसके पास एक स्मॉलर रेजिस्टेंस वाला रूट होगा, तो जो रेजिस्टेंस मिली वो सिर्फ 1.5 की मिली। मैं अगर चाहता हूँ कि ये 4.5 वाले रेजिस्टर में से भी गुजरे तो मुझे S3 को खुला रखना पड़ेगा ताकि करंट के पास बाईपास होने का कोई रास्ता ना हो और करंट दोनों रेजिस्टर में से गुजरे 1.5 वाले रेजिस्टेंस में से भी 4 रेजिस्टेंस में से। ट्राई सॉल्विंग दिस क्वेश्चन जब तक मैं उस्मान का एक सवाल ले लेता हूँ। क्या कह रहे उस्मान? सर सर मुझे ये पूछना था कि वो जो आपने सवाल करवाया था पोटेंशियल डिवाइडर वाला अभी एक से पहले वाला जो रीसेंट करवाया उसमें मुझे आपसे पूछना था कि अगर मतलब पहले हम उसमें करंट भी तो निकाल सकते थे क्योंकि सीरीज सर्किट का करंट निकाल लेते तो करंट तो सेम आता और उस करंट की वैल्यू को उस रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास वोल्टेज आ जाता आ जाता। सर मेरे पास आंसर नहीं आ रहा था इसलिए मैंने आपसे ये सवाल पूछा है। बेटा 6 वोल्ट्स का वोल्टेज रखो 12,000 ओम्स की रेजिस्टेंस रखो, 6 वोल्ट्स का वोल्टेज रखो 12,000 ओम्स की रेजिस्टेंस रखो उससे करंट आ जाएगा, जब करंट आ जाए तो फिर दोबारा V इक्वल्स IR लगा देना वही करंट यूज करना रेजिस्टेंस 10,000 की रखना आंसर आएगा। सर मैंने 2000 की वोल्टेज रखी थी। 2000 क्या 2000 की वोल्टेज में रेजिस्टेंस रखी थी सर पहली रेजिस्टेंस के 2000 की रखी 12,000 रखो ना रेजिस्टेंस टोटल सब वो जो पहले नहीं नहीं मतलब मैंने ये सोचा कि रेजिस्टेंस तो जो भी रखूं करंट तो सेम आना है ना तो मैंने बेटा जो तुम वोल्टेज ले रहे हो तुम वोल्टेज ले रहे हो वो तो पूरे सर्किट का यूज कर रहे हो ना सब वोल्टेज ही वोल्ट मीटर लगाओ तुम जो वोल्टेज ले रहे थे वो तो पूरे सर्किट का ले रहे थे तो अगर तुम वोल्टेज पूरे सर्किट का ले रहे हो तो फिर रेजिस्टेंस भी पूरे सर्किट ही कंसीडर करो ना वरना तो वो गलत हो जाएगा क्योंकि खुद सोचो तुम्हारा जो 6 वोल्ट है वो खाली उस 2000 ओम पे थोड़ी आ रहा वो तो पूरे सर्किट पे आ रहा है ना V इक्वल IR जब भी लगाते हो V इक्वल्स IR जब भी लगाते हो तो हमेशा एक स्पेसिफिक सर्किट पे लगाते हो या तो एक रजिस्टर पे लगाओ या पूरे सर्किट पे लगाओ तो तुम जिस जगह पे भी अप्लाई करते हो फिर सब चीजें उसी की होनी चाहिए ना वोल्टेज उसका रेजिस्टेंस उसकी तो करंट उसका आएगा अदरवाइज तो वो गलत हो जाएगा। बाकी सब हमारा 6 वोल्ट्स खाली 2000 पे थोड़ी आ रहा था जी सर। बाकी मुझे ये पूछना था कि वो
जो उसमें जो गिवन था कि एक एक बैटरी के अंदर 6 वोल्ट लिखा हुआ था और एक बैटरी के अंदर 0 वोल्ट लिखा हुआ था, सही है? ऐसे मतलब वो नहीं 6 वोल्ट की लिखी बैटरी थी या वो तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए दिखाया हुआ था कि तुम्हारे सर्किट के अक्रॉस 6 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है, एक हायर पोटेंशियल है 6, एक लोअर पोटेंशियल है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस तो बैटरी 6 वोल्ट की थी, मतलब बैटरी नहीं थी वो 6 वोल्ट की जी। तो वो बैटरी नहीं थी 6 वोल्ट की? हाँ बेटा बैटरी के 6 वोल्ट है वो। यहाँ पे बोला जा रहा है वेयर मस्ट एन एमीटर बी कनेक्टेड टू मेजर द स्मॉलेस्ट करंट, सबसे छोटा करंट कहाँ से जाएगा भाई? सबसे छोटा करंट वहां जाएगा जहाँ सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होगी। अब अगर ऐसा सोचता बंदा खाली वो तो 30 के आगे बोल देता सही, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पैरेलल में करंट डिवाइड होता है, तो पैरेलल में जो भी करंट होगा वो ब्रेक होगा, तो ब्रेक होके सबसे कम करंट उसमें जाएगा जहां सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है, मतलब ये 20 में से जाएगा, तो पहले तो यहीं आके डिवाइड हो गया, उसके बाद फिर जो बड़ा वाला रेजिस्टर था उसमें से सबसे कम करंट गया, मतलब सबसे छोटा करंट आपको मिलेगा सी के ऊपर। ठीक है भाई? नहीं नहीं स्मॉलेस्ट बोला है, लार्जेस्ट के लिए तो फिर आपके पास ये करना पड़ता ना, लार्जेस्ट के लिए तो आपको फिर ये देखना पड़ता डी और ए दोनों पे लार्जेस्ट होगा, क्योंकि ये सीरीज वाला हिस्सा है ना, यहां से लेके यहां तक तो एक ही करंट चलता, तो डी और ए इन दोनों पे तुम्हें लार्जेस्ट वैल्यू मिलती। ए पे क्यों ज्यादा होती? डी और ए दोनों में ज्यादा होती ना बेटा, तो मैं अगर लार्जेस्ट करंट बोला जाता तो दो ऑप्शन हो जाते, अब दो ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ऑप्शन तो कोई एक ही होना है। स्मॉलेस्ट करंट तो वहां होगा जहां तुम्हें रेजिस्टेंस ज्यादा मिलेगी, और पैरेलल में क्योंकि करंट डिवाइड होता है तो तुमने पैरेलल के अंदर देखा मेरे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन ये है 10 और 20, जो भी करंट आ रहा होगा डिवाइड हो जाएगा, मतलब इट्स लाइक कि अगर 3 एम्पेयर का करंट आएगा तो आपके पास 2 एम्पेयर इसमें जाएगा 1 एम्पेयर इसमें जाएगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस कम है उसमें करंट ज्यादा जाएगा, इसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें करंट कम जाएगा, तो सबसे कम करंट आपको सी में से जाता हुआ मिला। इसको सॉल्व कर दो जल्दी से। अब देखो ऐसे सवालों के अंदर ना वो यूनिटरी मेथड काम आ जाता है, क्योंकि अगर v इक्वल्स ir से सॉल्व करने हम बैठते हैं तो हमारा तो तेल निकल जाना है इसमें लगा लगा के v इक्वल्स ir, और इतना किसके पास टाइम है? सर जल्दी जल्दी यूनिटरी मेथड लगाओ, पता लगाओ किस में वोल्ट मीटर की रीडिंग 7.2।
अच्छा भैया ये इसमें भी ऑप्शंस इतने ज्यादा तुम्हारे पास क्यों वेरिएबल आ रहे हैं भाई मेरे बच्चों? आसान सा मामला है ना कि भाई जैसे अगर पहले पार्ट को सॉल्व करता हूँ तो भाई 8 ओम्स पे 12 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है तो 5 ओम्स पे एक्स होगा 12 इंटू 5 ओवर 8 60 ओवर 8 हो जाएगा, कितना होता है मुझे नहीं पता। ये सही आ रहा है, ये आंसर हुआ। इसके अलावा बन ही नहीं सकता था कोई आंसर। यूनिटरी मेथड सिर्फ पैरेलल में वर्क नहीं करता भाई, बाकी प्योर सीरीज के अंदर आराम से चलता है। ओ यस, ये भी बड़ा अच्छा सवाल है, ट्राई कीजिए इसे। बिल्कुल, ये सारे सीरीज थे। नहीं बेटा, करंट के लिए यूनिटरी इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि करंट में रेजिस्टेंस के साथ का डायरेक्ट रिलेशन थोड़ी होता है, वहां तो इनवर्स का रिलेशन होता है, वहां यूनिटरी मेथड नहीं लग सकता, वहां इनवर्स का रिलेशन है, वहां इनवर्स वाला मेथड लगाना पड़ेगा। मतलब वहां बाकायदा वी निकाल के सॉल्व करो, वो तुम्हारे लिए ज्यादा अच्छा है, या फिर I1R1 इक्वल्स I2R2 कर दो। ऐसो ही आ गई रीजन प्लाजा में। चलो भैया, बकरीद से पहले एकदम एक झटका मिल गया एकदम से। अच्छा, वैसे इसका जवाब भी आपको पता है, इट्स सिंपली सी, क्योंकि पैरेलल में रेजिस्टर्स लगाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है तो करंट बढ़ जाएगा, करंट बढ़ेगा तो लैम्प ज्यादा अच्छी तरीके से ग्लो करेगा, इस वजह से आपका आंसर इसका सी होगा। आई होप अब आप लोगों की चीजें कॉन्सेप्ट्स वगैरह क्लियर हो गए होंगे, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के मसले नहीं होंगे इसमें। प्रैक्टिकल को खुद स्टडी करने की थोड़ी सी कोशिश करना, मैं मैग्नेटिज्म कराने में थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ अभी। डी में तो तुम्हारे पास वो सीरीज वाला मामला भी आ गया ना, तो उससे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी तुम्हारी। प्रैक्टिकल ट्राई कर लेना, से उसका बेसिक फॉर्मूला पावर इक्वल्स आई वी, पावर इक्वल्स आई स्क्वायर और वी स्क्वायर अपॉन आर वाली चीजें थोड़ा सा फोकस करके पढ़ लो। मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ ग्रुप पे शेयर कर देता हूँ, डोंट वरी, उसमें आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। जब तक इस स्लाइड को जरा रीड करो, मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों के साथ नोट्स।
अच्छा बेटा मां, देखिए ये मैग्नेटिज्म का बेसिस है। मैग्नेटिज्म के बेसिस का होने का मतलब ये फाउंडेशन है कि हमारे पास मैग्नेटिज्म होती ही क्यों है। दो मिनट रुक जाओ, बजा ये फाइलें सेंड हो जाए उसके बाद, गिव मी टू मिनट। सफान उसके आखिर में आता है इलेक्ट्रॉनिक्स, बिल्कुल। मैं बाद में फाइलें सेंड करूंगा, वो इतनी बड़ी बड़ी फाइल है ना, वो सारा नेट जो है ना वो अपलोडिंग में लग जाएगा और हमारा यहाँ पर मामला रह जाएगा। देखिए मैग्नेटिज्म का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ना बेटा, मैग्नेटिज्म असल में चार्ज पार्टिकल्स के स्पिन की वजह से आती है। जब इलेक्ट्रॉन घूमता है ना तो इलेक्ट्रॉन के स्पिन होने की वजह से आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, और जो भी चीज, जो भी मेटल एज अ मैग्नेट बिहेव करता है वो असल में इन घूमते हुए इलेक्ट्रॉन्स की अलाइनमेंट की वजह से करता है। कि अब अगर ये घूमते हुए सारे इलेक्ट्रॉन एक डायरेक्शन में अलाइन हो जाएं, तो इन दैट केस आपके पास पूरा ऑब्जेक्ट, पूरा मटेरियल एज अ मैग्नेट बिहेव करेगा। लेकिन अगर ये मिसअलाइन हुए हुए, मतलब आगे पीछे टेढ़े मेढ़े घूमते फिरते हो रहे हैं, उस वक्त आपके पास वहां पे मैग्नेटिज्म नहीं आता। अब Being as the poles of the magnet, आपके पास, आपको पता है दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। आप ये बात भी जानते हैं, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं और लाइक पोल्स रिपेल करते हैं। See, align, A-L-I-G-N, align. align का मतलब है एक डायरेक्शन में, एक सिम्थ में सेट हो जाना, इसको बोलते हैं अलाइन हो गए। ठीक है, ये ए डबल एल आई एन ई वाला कोई अलाइन नहीं है, ये तो मुझे भी नहीं पता ये कौन सा अलाइन होता है। यस दीज आर बेसिकली कॉल्ड मैग्नेटिक डोमेन्स माय डियर। लेकिन जिसको आप असल में मैग्नेटिक डोमेन्स बोलते हैं वो और कुछ नहीं है, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं स्पिन्स के साथ, इनकी टेढ़ी मेढ़ी स्पिन्स, इनका मतलब इनकी डायरेक्शन फिक्स नहीं है, ये कहीं के कहीं पॉइंट कर रहे होते हैं, तो वो मटीरियल मैग्नेट की तरफ बिहेव नहीं करता। जब ये सब एक डायरेक्शन में पॉइंट करना शुरू कर देते हैं तो आपका मटेरियल मैग्नेट की तरह बिहेव करना शुरू कर देते, सब एक डायरेक्शन में घूमेंगे। तो भाई अगर आपके पास लाइक पोल्स है तो वो रिपेल करेंगे, और अगर अनलाइक पोल्स है तो वो आपके पास अट्रैक्ट करने का काम कर रहे हैं। और ये जो फोर्स होती है, ये दोनों मैग्नेट्स की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करती है, और इस पर भी डिपेंड करती है कि दोनों मैग्नेट एक दूसरे से कितने करीब, ये एक दूसरे से कितने दूर है। तो यहाँ पे मैंने उनकी जो डोमेन वाली बात है वो समझा दी, कि अगर आपके पास तमाम मैग्नेटिक डोमेन्स जो हैं, मतलब रीजन्स जो हैं, ये सब मिसअलाइन हुए हैं, तो योर मटेरियल इज नॉट गोइंग टू बिहेव एज अ मैग्नेट। बट इफ ऑल ऑफ देम आर अलाइंड इन वन डायरेक्शन, नाउ द मटेरियल इज गोइंग टू बिहेव एज अ मैग्नेट। तो हमारे पास कुछ ऐसे मटीरियल होते हैं जिसको हम बोलते हैं हम नॉन मैग्नेटिक है, मतलब
आप कुछ भी कर लो वो मैग्नेट की तरह बिहेव नहीं करने वाले, तो उसमें तो पहली बात सारे नॉन मेटल्स आ जाते हैं, लेकिन उन नॉन मेटल्स के अलावा कुछ मेटल्स भी ऐसे हैं जो मैग्नेट नहीं बन पाते, उसमें एल्युमिनियम, कॉपर और सिल्वर, ये तीन एज मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज नहीं आ पाते, मतलब इनके डोमेन्स अलाइन नहीं हो पाते। हाँ, मैग्नेटिक मटेरियल्स के अंदर आपके पास आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट और मू मेटल, ये वो हैं जो आपके सिलेबस का पार्ट है। इसके अलावा होते तो बहुत सारे हैं, न्यूडीमियम वगैरह जैसे मेटल्स होते हैं जो वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैग्नेट बनने का काम कर रहे होते हैं। खैर, हैं तो बहुत बड़े बड़े स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स, लेकिन ये वो आपके पास सिलेबस के अंदर इंक्लूडेड कंटेंट है जो आपको पता होना चाहिए। मू मेटल एक प्योर मेटल नहीं होता, मू मेटल एक अलॉय होता है। ये अलॉय होता है आयरन और निकल का, उन दोनों से मिक्स करके बनता है। जैसे आपने केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे अलॉयज पढ़े हैं भाई, क्यूप्रोनिकल और ब्रास एंड ब्रॉन्ज, ठीक है, और एल्युमिनियम के पता नहीं कौन कौन से आपने अलॉय पढ़े हुए होते हैं। तो ये भी मू मेटल भी एक तरह से आपके पास एक अलॉय है, इट्स नॉट अ प्योर एलिमेंट। अच्छा बेटा, फिर हमारे पास आते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स और हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। ये मेरे बच्चे वो होते हैं जो आपके पास कह लो कि उनकी जो मैग्नेट बनने की सलाहियत है उसके बेसिस पे होता है कि कितना आसान है किसी चीज को मैग्नेट बनाना या कितना मुश्किल है। तो देखो, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटीरियल्स जो होते हैं दे आर सॉफ्ट नॉट इन टर्म्स ऑफ देयर लाइक रिजिडिटी, भाई प्रेस हो जाएंगे सॉफ्ट होते हैं, ये वाला मामला नहीं है। दे सॉफ्ट इन टर्म्स ऑफ देयर नेचर, मतलब बड़े मासूम से हैं। आप मैग्नेट बनाना चाहो बन जाएंगे, आप मैग्नेटिज्म खत्म करना चाहो खत्म हो जाएंगे। दे डोंट रिटेन देमसेल्व्स, मतलब दे आर इजी कम इजी गो टाइप ऑफ मटीरियल, दे आर इजी टू मैग्नेटाइज एंड इजी टू डी मैग्नेटाइज, दे डोंट रिटेन देयर मैग्नेटिज्म, दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स। सही है, दे आर टेम्पररी मैग्नेट्स ओवर हियर, लाइक आयरन एंड मू मेटल, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो टेम्पररी तौर पर मैग्नेट बनते हैं। आप इनके करीब मैग्नेट लाओ, ये खुद मैग्नेट बन जाएंगे, अगले मैग्नेट की इन्फ्लुएंस की वजह से अपने अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ले आते हैं। आप अभी वो मैग्नेट हटा दो, इनकी मैग्नेटिज्म खत्म। तो इनका इस्तेमाल एक इलेक्ट्रोमैग्नेट के तौर पे होता है। सही, इलेक्ट्रोमैग्नेट से मुराद मेरी ये है जैसे आपके पास रिलेज हो गए, लाउड स्पीकर हो गए, सही है, इन तमाम चीजों के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट्स लगे हुए होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, आपके पास एक कॉइल ऑफ वायर होता है जिसमें से करंट गुजरता है ना, तो वो मैग्नेट बन जाता है। अभी आगे मैं ये चीज समझाऊंगा कि भाई इलेक्ट्रोमैग्नेट किस तरह से काम करता है, उसकी स्ट्रेंथ वगैरह को कंट्रोल करने का हमारे पास क्या रास्ता होगा। दूसरी तरफ हमारे पास हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स, हार्ड मैग्नेटिक मटीरियल्स दे आर डिफिकल्ट टू मैग्नेटाइज एंड दे इवन डिफिकल्ट टू डी मैग्नेटाइज, मतलब व्हाट दे डू, दे रिटेन देयर मैग्नेटिज्म, अपनी मैग्नेटिज्म लूज नहीं करते। Once you make them a magnet, they stay as a magnet. लेकिन ये है कि it's not easy to make them a magnet. उनको magnet बनाना भी आसान नहीं होता, उनको magnet बनाना भी एक मुश्किल काम होता है। तो उसके अंदर आपके पास स्टील है और ये ऐसे परमानेंट मैग्नेट इस्तेमाल होते हैं DC motors और AC generators के अंदर। या हमारे पास जो वो रेड एंड ब्लू कलर का मैग्नेट आता है या horseshoe magnet टाइप के आते हैं, they generally made up of steel. Because steel has a tendency to retain the magnetism inside it. फिर बेटा मैग्नेटिक फील्ड का सवाल अब आपके पास एमसीक्यू से रिलेटेड आ सकता है। मैं वो चीजें समझा रहा हूँ जो एमसीक्यू से रिलेटेड आपके पास खास तौर पे पूछी जा सकती है। अब देखो, मैंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ की है, एक परमानेंट मैग्नेट की, एक बार मैग्नेट की। ये मैग्नेटिक फील्ड की कुछ खासियत है जो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, उन खसूसियात को आपको पता होना चाहिए ताकि जब एग्जामिनर आपसे सवाल पूछे आप उसे देख के ड्रॉ कर सको। खसूसियात ये है बेटा कि तमाम फील्ड लाइन्स नॉर्थ से इमर्ज हो रही हैं, आप देख सकते हो एरो की डायरेक्शन, और साउथ में एंटर हो रही है। तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड जब भी कोई एमसीक्यू में आए तो आप जब उसको ड्रॉ करो, यू नीड टू ड्रॉ देम कमिंग आउट ऑफ द नॉर्थ पोल एंड गोइंग इनटू द साउथ पोल। अच्छा, देयर इज अ रीजन व्हाई यू डू दैट, एक वजह है, याद रखना कोई सी भी फील्ड होती है, मैंने पहले भी बताया है दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, फील्ड लाइन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है, फील्ड लाइन की डायरेक्शन फोर्स की डायरेक्शन होती है। किस चीज पे फोर्स,
यहाँ पे क्योंकि आप मैग्नेटिज्म की बात कर रहे हो तो इट्स अ फोर्स ऑन अ नॉर्थ पोल. एक नॉर्थ पोल पे फोर्स कहाँ लगेगी, ये उसकी डायरेक्शन होती है. तो आपके पास यहाँ पे क्या होता है कि भाई द नॉर्थ पोल ओवर हियर कज लाइक पोल्स रिपेल, तो आपके पास ये वाला नॉर्थ उस छोटे वाले नॉर्थ पे बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा, तो उसकी फील्ड लाइन भी बाहर की तरफ पॉइंट कर रही. दूसरी साइड पर अगर आप देखो साउथ पोल, तो यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा नॉर्थ पोल ले आऊं तो ये साउथ इस नॉर्थ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये इसे पुल करेगा. जब ये इसे पुल करेगा तो अब आपके पास यहाँ पे जो फोर्स होगी और जो फील्ड लाइंस होंगी अंदर की तरफ होंगी. एक केस में फील्ड लाइंस बाहर निकल रही है, यानी नॉर्थ से फील्ड लाइंस बाहर है, साउथ में फील्ड लाइंस अंदर है, क्योंकि जो फील्ड लाइन का एरो है वो आपको फोर्स की डायरेक्शन बता रहा है. किस चीज पे फोर्स बता रहा है, वो एक छोटे से नॉर्थ पोल पे लगने वाली फोर्स बता रहा है. यहाँ पे भी देख सकते हो अगर किसी ने नॉर्थ पोल लाके रख दिया मैग्नेट का, बाहर की तरफ लगेगी, और अगर यहाँ पे नॉर्थ पोल लाके रख दिया फोर्स अंदर की तरफ लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स होगी. ये वाला मामला चल रहा होगा आपके पास. तो आप अपनी फील्ड लाइंस को इस तरह से रिप्रेजेंट करने का काम कर रहे हो. दूसरी बात जो आपके लिए बड़ी अहम है वो ये है बेटा कि आपके पास ये जो गैप है, आपको ये गैप डिक्रीज करते हुए दिखाना जरूरी है. क्योंकि देखो आप जितना फील्ड लाइन से दूर जाते हो फील्ड उतनी वीक होती चली जाती है आपसे. वो जितना आप मैग्नेट से दूर जाते हो फील्ड आपके पास उतनी वीक होती चली जाती है. एज आई एम मूविंग अवे फ्रॉम माय मैग्नेट आई नीड टू शो दैट द फील्ड लाइंस आर गेटिंग, द फील्ड इज गेटिंग वीकर. ये चीज सिर्फ गैप को बढ़ा के दिखाई जा सकती. इट्स रिप्रेजेंटेड बाय शोइंग एन इंक्रीजिंग गैप. तो यही वाली बात मैंने यहां पे समझाने की आपको कोशिश की है कि भाई एग्जामिनर कभी भी अगर मैग्नेट की फील्ड लाइंस दे तो आप इन बातों को देखते हुए अपना जवाब दो. तो जो मैंने इस पेज पे लिखा हुआ उसको एक दफा रीड कर लो ताकि मेरी बातें जो है वो और क्लियर हो जाए. उस्मान अगर कोई सवाल है बेटा सफान तो सवाल को जरा टाइप करके भेज दो. Guys, give me a second. मेरा नेट पता नहीं अभी क्या हो गया. अब इसको रीड कर लो. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल और मैग्नेटिक मटेरियल में फर्क ये है, मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर आप डोमेन्स को अलाइन कर सकते हो. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल के डोमेन्स रिजिड होते हैं, वो अलाइन नहीं हो पा रहे, इसलिए वो मैग्नेट नहीं बन पाता. कुछ
कुछ चीजें और भी होती हैं, ये बहुत सिंपल तरीके से तुम्हें समझाया है, कुछ चीजें और भी होती हैं जो कह लो कि इस पे इफेक्ट डालती है, लेकिन वो अभी तुम्हारे लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। असल में डोमेन बनने के लिए इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन होने के लिए ना एक ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना जरूरी होती है। हंसी मत है, अभी ये बात समझाना थोड़ा सा मुश्किल है और आपके लिए समझना भी मुश्किल है, इसलिए मैंने ये वाली डिस्कशन नहीं की। बिल्कुल हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल से भी रिचर्ड अक्सर केसेस जैसे नॉन मेटल्स हो गए उसके अंदर तो डोमेन्स एग्जिस्ट ही नहीं करते, मतलब इलेक्ट्रॉन्स में वाली स्पिन वाली भी एग्जिस्ट जो चीजें हैं वो नहीं होती। Give this thing a read, ताकि आपको इन चीजों का अंदाजा हो। ठीक है भाई, आई होप यू हैव रेड दिस। इस चीज को भी देख लो, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स में बेटा डोमेन्स एग्जिस्ट नहीं करते। देखो यहाँ क्या मामला है, नॉर्थ से साउथ तक की फील्ड लाइंस किस तरह से जा रही हैं, और नॉर्थ नॉर्थ के दरमियान में क्या मामला है भाई, आपके पास यू हैव अ नल पॉइंट ओवर हियर, यू हैव अ लोकेशन वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज जीरो। मतलब अगर यहाँ पे कोई मैग्नेटिक मटेरियल रख के रख दिया जाए तो दोनों में से किसी भी तरफ नहीं जाएगा, कहीं भी अट्रैक्ट नहीं होगा, देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड ओवर हियर। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को जज करने के लिए आपके पास जो है वो कंपस का इस्तेमाल किया जाता है। यू आर यूजिंग अ कंपस ओवर हियर टू फाइंड आउट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो अब कंपस क्या करता है, कंपस का थोड़ा सा एक मामला याद रखना बेटा, कि कंपस का जो हेड होता है ना, कंपस की नीडल का जो हेड होता है वो खुद एक नॉर्थ पोल होता है, मतलब नीडल बाकायदा एक मैग्नेट होती है, उसका हेड नॉर्थ पोल होता है और उसकी जो टेल होती है नीडल की वो साउथ पोल होती है। तो उसकी जो नीडल का हेड होता है ना वो साउथ की तरफ अट्रैक्ट होता रहता है और नॉर्थ वाले पोल से उसमें रिपल्जन होती है। तो होता क्या है कि जब आप उस कंपास को मैग्नेट के नॉर्थ की तरफ रखते हो ना तो उसका जो हेड है वो दूर भागता है और उसकी टेल्स नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है क्योंकि टेल साउथ पोल थी, और अगर आप उसे साउथ की तरफ रखोगे तो जो नीडल है उसका हेड साउथ की तरफ पॉइंट करेगा क्योंकि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा होगा। आपके पास मामला ये होते हैं। और यहाँ पे साइडों में जब आप रखते हो, ये फील्ड को प्लॉट करने का तरीका होता है, खैर एमसीक्यू में प्लॉटिंग का तरीका तो नहीं आएगा लेकिन पॉइंटिंग जरूर आ सकती है कि फील्ड के लिए जो आपने कंपास की नीडल्स कंपास रखी है उसकी नीडल्स पॉइंट कहाँ कर रही हो। तो देखो नीडल जो है वो नॉर्थ से दूर पॉइंट कर रही है हर दफा और साउथ की तरफ पॉइंट करना का काम कर रही है। और इन्हीं नीडल्स के एरो के हेड्स को ज्वाइन करते हुए आप पूरी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करते हो। ठीक, और उन्हीं को ज्वाइन करते हुए पूरी मैग्नेटिक फील्ड ड्रॉ करने का काम करते हो। इसी तरह यहाँ पे भी ये आपके पास यहाँ पे फील्ड बन के सामने आ रही होती। इस चीज को देखते हुए आपने जजमेंट करनी है कि आपने शो कैसे करना। ठीक
ठीक है भाई, विल कीप इट टिल हियर। मैं नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट्स की तरफ खास तौर पे लेके जाऊंगा। मैं वो चीज़ें पर फोकस करूंगा जिसमें आपके पास के क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ठीक है भाई, ख्याल रखना, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।